अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है आकिब राणा और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरा YouTube चैनल। आज मैं मौजूद हूँ जर्मनी के शहर मोरिस के अंदर और काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुई है ईद मनाने के लिए। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो लोग ईद कैसे मनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद हुसैन जी। हमाद भाई, मुझे ये बताएं, आपने अपनों से दूर अपनों में ईद कैसे मनाई और कैसे की? यार, ईद इस दफ़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि हम लोगों ने कलोन में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था। nice. इसमें काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी, उसमें पाकिस्तानी फैमिलीज़, तो उसमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ थी। उसमें स्टॉल्स थे, आपका म्यूज़िक था उसमें, इसके अलावा देसी फूड था हमारा, तो उसमें काफ़ी अच्छी हमारी ईद गुजरी। काफ़ी बिजी ईद गुजरी। जी जी, बिजी ईद गुजरी और लोगों के साथ जो है ना वो काफ़ी अच्छी जो है टाइम गुजरा हमारा। नाइस। अब इस इवेंट पर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? यार, अभी तो हम लोग एंटर हुए हैं और एंट्रेंस को कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सो इट सीम्स टू बी वेरी गुड इवेंट। और अंदर जाएंगे तो फिर देखेंगे माशाल्लाह जो है ना किस तरह का इवेंट होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नवीद। अमित भाई, मुझे ये बताएं कि इतनी मेहनत और इतने सारे अपनी पाकिस्तानी कम्यूनिटी कैसे इकट्ठा कर ली, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। देखें जी, काम सारे ही मुश्किल होते हैं, लेकिन मुश्किल कामों को आसान करने के लिए आपको कुछ होमवर्क करना पड़ता है, डेडिकेट करना पड़ता है और एफर्ट करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है कि आप हम ख्याल लोगों को साथ मिलाएं और लोगों को रिस्पेक्ट दें। जब आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं और उनके लिए कुछ करते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाद। जवाद भाई, इतनी सारी कम्युनिटी आपने इकट्ठी की, क्या क्या मुश्किल आपको फेस करना पड़ी और क्या क्या हर्डल्स थी? मुश्किल तो ऐसी हमें कोई खास नहीं आई, बट एक चीज़ थी जो बोलनी भी चाहिए, वो ये है कि लोगों का रिस्पांस टाइम पे नहीं आता, जिसकी वजह से जो है काफ़ी चीज़ें हमें करना मुश्किल हो जाती हैं। जैसे कुछ चीज़ें हमें बेस्टेलिंग करनी पड़ती हैं, तो वो अगर थोड़ा सा हमारा अच्छा हो जाए हमारी कम्युनिटी का, तो मेरा ख्याल और अच्छा होगा, बेहतर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। या वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रजिया सैयद। और आपका? आसमा गफूर। आपने ईद अपनों से दूर और अपनों में कैसे गुजारी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर में गुजारी है, फैमिली के साथ, कुछ दोस्तों के साथ। वीकेंड सारा ऐसे ही गुजरा है। पूरा वीक आपका बिजी था क्या? पूरा वीकेंड या फ्रेश एग्जाम सा, मतलब पूरे 3 दिन ऐसे गुजरे हमारे। और अभी इस ईद गाला इवेंट के ऊपर आई हैं, कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, उम्मीद नहीं थी इतने लोग होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं यहाँ। मुझे ये बताएं कि इतना अच्छा आपने ड्रेस पहना है, इतनी अच्छी ज्वेलरी पहनी है, ये आपको कहाँ से मिली और आज क्या सोचा आपने इसको पहनने से? कपड़े तो पाकिस्तान से ही मंगवाए हैं इंटरनेट और सोचा यही था कि ईद का फंक्शन है तो अच्छे से अच्छे बन के जाना है बस इसी वजह से। और आप लोग अच्छे लगते हैं? हम लोगों को कभी कभार मौका मिलता है तो फिर तो जारी बात है मिला। कोई मैसेज देना चाहेंगी जो लोग पाकिस्तान में आपको देख रहे हैं या यहाँ पे जो आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी देख रही है और कम्युनिटी देख रही है, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि जैसे हम यहाँ पे परदेश में बैठे हुए हैं तो हम लोग सब लोग मिलके ईद मनाते हैं, इससे यही साबित होता है कि हम में प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में है, अपने हैं, लेकिन इस तरह की मतलब गेट टुगेदर हमने कभी ऐसे कभी देखी नहीं है, तो यही है, हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। ईद परदेश में तो हैं, अपनों से दूर तो हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर दोस्त अहबाब बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से हमें मतलब अपनों की इतनी ऐसा याद नहीं आती है। याद आती है लेकिन इन त्योहारों में, इस वजह से कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए, वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को पता है लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनको अपना नाम बताइए। जी, मकसूद इकराम। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इनको सोशल मीडिया पर एक्टिव देखा होगा और जितने भी लोग लीगल क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उनकी इसलाह भी कर रहे होते हैं। अब इनसे ये पूछना चाहूँगा कि अपनों से दूर अपनों में ईद आपने कैसे मनाई, कैसी गुजरी? अपनों से दूर और अपनों के साथ ईद, इसलिए मैं इसको मुनफरद समझता हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादा ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो जर्मनी में गुजरा है, तो मैं इस चीज़ का आदी हूँ। और अब ये इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गई है, फैमिलीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और हम ये देख रहे हैं कि हर शहर में इस दफ़ा ये NRW में मेरे ख्याल में शायद कुछ 20-30 शहर हों जहाँ पर पाकिस्तानियों ने एहतमाम ईद का किया और ख़ुद ईद मनाई, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और आप उसके बाद जो है हर जगह पर, हर वीकेंड पर किसी ना किसी जगह पर एक गेट टुगेदर जो है ईद मिलन पार्टी हो रही है और ये देखकर हमेशा बड़ी खुशी होती है। और अब इस मुआशरे में बेगानगी कम महसूस होती है, ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने घर में हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आप अपनी इस पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ इन टच रहें,
अपने बच्चों को ऐसे इवेंट्स में लेके आएं, खुद भी आएं, ताकि हम एक कम्युनिटी होने का हकीकी मानों में सबूत दे सकें। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है यार आपका? शारिक जावेद। अच्छा नाइस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग नहीं जानते उनको एक बार फिर से पता चल जाए, हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं कम्युनिटी के अंदर। अच्छा मुझे ये बताएं, अपनों से दूर अपनों में ईद आपने कैसे मनाई और कैसे गुजरी? म्यूनिख में दो ज़बरदस्त किस्म के इवेंट हुए ईद के, उसके अलावा इस दफ़ा हमने पाकिस्तानी मूवी लगवाई, मनी बैक गारंटी, पाकिस्तान की नंबर वन मूवी इस दफ़ा। वो उतनी उसमें लोग नहीं है क्योंकि जो है लोग बहुत ज़्यादा कल्चरल इवेंट्स में भी जा रहे थे, और आज हम लोग म्यूनिख से 700 किलोमीटर चलाकर ये दिखाएं जी, इधर पाकिस्तान जर्बत कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ज़बरदस्त ईद पार्टी रखी है, इनको सपोर्ट करने आए हैं, और सुबह इंशाल्लाह बर्लिन जाएंगे, बस में बर्लिन का इवेंट है, यहाँ से जाओ वहाँ उनको सपोर्ट करने जाएंगे। अच्छा बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं यार शारिक, कभी म्यूनिख होता है, कभी मोरस आया हुआ है, कभी बर्लिन जा रहा है, इतने इस लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? पैशन है मेरा, मेरा पैशन है, अगर लाइफ में आप कहना मेरा पैशन है लोगों को एम्पावर करना, अपनी कम्युनिटी का ग्रो करना। आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान के हालात है, लोग थोड़े सा शर्मा भी गए पाकिस्तानी होने से, हम कहते हैं जिस तरह बाकी कौमें फ़ख्र करती हैं, हमारी कौम भी फ़ख्र करे कि हम पाकिस्तानी हैं। प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सो वेरी मच, एंजॉय द डे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुम्बल। मुझे बताएं कि ईद कैसी गुजरी आपकी? अपन ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, लास्ट वीक हमने फैमिली के साथ गुजारी, और इवन मेरे इन लॉज भी हैं यहाँ तो उनके साथ भी स्पेंड किया, तो अच्छा रहा ओवरऑल। नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो इवेंट यहाँ पर चल रहा है, पाकिस्तान की इतनी कम्युनिटी इकट्ठा हुई है, अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ देख रहे हैं सबको, इतने सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ ग्रो कर रही है, और अच्छा लग रहा है सब कुछ देख। और आज क्या सोच कर तैयार हुई थी कि क्या पहन के जाना है, और क्या क्या सोचा था? यही था कि बस ईद का मौका है तो अच्छा दिखना है, अच्छे लगना है, तो बस यही था। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज डेविड। डेविड, हाउ इज योर एक्सपीरियंस टुडे? इज अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी इज हियर एंड यू आर आल्सो वेयरिंग द ट्रेडिशनल क्लोथिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड होल्डिंग गोल गप्पास इन योर हैंड, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अंटिल नाउ? Oh, I arrived like 20 minutes, half an hour ago, so I have not that much experience, but it's very nice. I've been here several years ago also, it was very nice. Always nice to see that Pakistani community is coming together and it's well organized here. It's really nice, yeah. Nice. Okay, tell me any one dish that you like from Pakistan a lot. A dish? Yeah. A taka taka. Nice. I love it. Really love it. Nice. Thank you so very much. Thank you so much. Really welcome. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुम्बल आज़म। कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक, इतनी सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी एक ही छत के नीचे है, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है इस इवेंट को लेकर? मेरा तो हमेशा से अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जब भी आई हूँ, जब भी देखा है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और मुझे ये बताएं कि अपनों से दूर अपनों में ईद कैसी गुजरी, क्या क्या किया? हाय हाय हाय, आज तो आपने बहुत दिल पर छुरा मार दिया कि अपनों से दूर किस तरह मार दी, लेकिन ये कि अपने बहुत याद आते हैं, ईद उधर हो उधर हो, बहुत मिस करते हैं, लेकिन अब ये सब जितने हमारे हैं ये हमारे अपने हैं, तो हम इनको अपने माँ बाप बहन भाई सब समझ के ईद मनाते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली शान। अली भाई मुझे ये बताएं कि डॉर्टमुंड से इतनी दूर आप यहाँ पर आ गए और इतनी मेहनत से आपने इस इवेंट को इतना खूबसूरत तरीके से सजाया, क्यों? यार बस एक ना क्या कहें इसको, एक पैशन कह लें आप। असल में जब हम डॉर्टमुंड में थे तो हम उस वक्त भी करवाते रहते थे इवेंट, और यहाँ म्योर्स में तो हम यहाँ पे हमारा एक क्रिकेट क्लब भी है, तो उसका भी फर्स्ट टाइम मिड ग्लाइड है, पैरल हमारी है, जर्मन फ्राइन चल रही है तो इसका भी फर्स्ट टाइम मिड ग्लाइड है। दूर तो इतना नहीं है, मतलब आधा घंटा लगता है ड्यूसबर्ग से, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन ये एक पैशन इंपॉर्टेंट है। और मुझे बताओ कि अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा, इतनी सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर इकट्ठा हुई है, कैसा लग रहा है आप? यार एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, मतलब आपकी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है। हम जो बात करते हैं कल्चर इंटीग्रेशन की, जर्मन कल्चर इंटीग्रेशन की, ताकि हम थोड़ा सा उनको अपना कल्चर दिखाएं और वो हमारा कल्चर देखें, और इस तरह से उस लिहाज से एक हमारा वो एक पूरा प्रोग्राम भी है कि इंटीग्रेशन थ्रू कल्चर, तो उसके लिहाज से ये सारे के सारे हमारी कोशिशें होती हैं, और आई थिंक इसमें एक आपका एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि यार हाउ पीसफुल वी आर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मुस्तफा। और आपका? अमना। अच्छा मुझे बताएं, इतनी कम्युनिटी इकट्ठा हो गई है माशाल्लाह से पाकिस्तानी, और ईद का ये फेस्टिवल चल रहा है, तो अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। मैं पर्सनली आई थिंक इर्सा भाई को जानता हूँ, जो जिन्होंने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में है, और दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, रियली अप्रिशिएटेड।
especially the work they are doing for the flood victims in Syria and Turkey. It's commendable. And for me, I think I'm new here, but I want to participate in more such events. So, बड़ा अच्छा लगा और आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आने की कोशिश करेंगे. अच्छा, मुझे ये बताओ आमना कि आपकी ईद कैसी गुजरी? आई थिंक मेरी ईद हो गई है, अच्छी हो गई है. अब अच्छी हो गई है. Nice. अब मुझे बताओ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक आपका यहाँ पर? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. वेल डन टू द ऑर्गेनाइजर्स. इतने सारे लोगों को अपने मुल्क से देख के काफ़ी खुशी फील हो रही है. सो इट्स बीन रियली नाइस. नाइस, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? हुदैतुलैन. और आपका? अनिका. उमैमा. अच्छा, मुझे बताओ कि इतने माशाल्लाह पाकिस्तानी इकट्ठा हो गए हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अब तक का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे बात है सारे पाकिस्तानियों से मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है. और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? ईद हम लोगों की बहुत अच्छी गुजरी थी. हम लोगों ने ईद अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट की थी, तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन. अच्छा, मुझे बताओ कि आज जब आप लोग यहाँ पर आ रहे थे तो क्या सोचा था कि आज हमने क्या पहन कर जाना है? क्या कन्फ्यूजन थी कि कल्चरल पहन के जाना है या फिर हमने वेस्टर्न पहन के जाना है? क्या क्या सोचा? कन्फ्यूजन नहीं थी, बिकॉज वी नो के भाई हम एक ईद गाला पे जा रहे हैं, तो बस हमारा यही था कि एक एक्सपोजर मिले, नए लोगों से मिलने का मौका मिले. एक प्लेटफॉर्म है कि हम नए लोग से मिल सकते हैं, सोशलाइजिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. तो हमारा मेन मकसद यहाँ आने का यही था कि हमें नए लोगों से मिलने का मौका मिले. थैंक यू सो मच. Alright, so I have with me the mayor of the Mirrors, Christopher. Hi, how are you? Very fine, thanks. Okay, so today you come here for the Eid Gala. How was your feeling? How you like the event? And do you like the activities and the people? It's a very important, and although the reason of this meeting, a very happy feeling, I think so, about the persons who are here and who are knowing about the many people in Pakistan, Turkey and Syria who have lost their home. Exactly. And how would you like to see today a lot of Pakistani community us here and spending celebrating their Eid? Would you like to give any message to people watching you in other cities or in Pakistan? Would you like to give any message to them? Oh, very fine. I would do it in German. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschland, ich darf Ihnen sagen, auch wenn wir vielleicht die pakistanische Community nicht immer so wahrnehmen bei uns, sie ist unglaublich lebendig, sie ist unglaublich farbenfroh und sie ist den Menschen zugeneigt bei all dem, was sie tut. Und die heutige Veranstaltung hier in Mörs, die zeigt das ganz deutlich, dass man zwar hier in Deutschland lebt, aber sich als Mensch der gesamten Welt versteht. Und deshalb ist diese Spendengala, die heute hier in Mörs stattfindet, glaube ich, etwas Typisches für die Menschen, die hier unter uns leben aus Pakistan. Und dafür dürfen wir ganz dankbar sein und herzlichen Dank auch sagen. Dankeschön, vielen Dank. Gerne. Schönen Tag noch. Danke Ihnen Danke. Auch. Tschüss. Danke. Alright, जी, ये था आज का शो. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.